आप माताओं बहनों से सभी से निवेदन है कि अगर आप राज करना चाहती हैं, तो गांठ बांधकर यह बात स्वीकार करें। अगर आप लोग ये करती हैं, तो आपका घर टूट जाता है। आप उस घर में दासी बनकर रहती हैं, ना कि महारानी बनकर। राजा की पत्नी रानी होती है, गुलाम की पत्नी गुलाम होती है। यह आपका निर्णय है कि आप राज करेंगी या गुलाम बनेंगी। गुलामी का कारण आपके पति से कुछ वार्तालाप हो गई, झगड़ा हो गया। अब वह बात आपके घर के बाहर निकलती है। जो आपके पड़ोसी हैं, जिन्हें आप अपनी सखियां समझती हैं, वह मसाला लगाकर पूरे मोहल्ले में बिखेर देती हैं। मुंह पर तो आपकी बड़ाई होती है, पीठ पीछे आपकी ही बुराई होती है। इससे आपके पति की बदनामी होती है, और जहां पर पति का सम्मान नहीं होता, तो पत्नी का सम्मान कैसे होगा? वही बात लेकर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आपके घर की लड़ाई है, एक ना एक दिन शांत हो जाएगी। परंतु वह बात जिसे आपने बाहर बता दिया, वह जीवन भर कभी समाप्त नहीं होगी। कभी भी किसी से वार्तालाप कीजिए, परंतु अपने घर की बात अपने घर में ही रखें तो बेहतर है। अन्यथा आपकी बेइज्जती तो होगी होगी, आपके पति की भी। और जहाँ पर इज्जत नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता, ऐसे घर टूट जाया करते हैं। जहाँ पर प्रेम होगा, वही घर स्वर्ग बनता है। यह माताओं बहनों की जिम्मेवारी है कि वह अपने घर को किस प्रकार से स्वर्ग बनाएंगी या नर्क। नर्क और स्वर्ग किसी भूखंड का हिस्सा नहीं है, वह इसी पृथ्वी लोक पर विराजमान है। सिर्फ बुद्धि का विकास कीजिए और अपने घर को स्वर्ग बना लीजिए।